बिजली बिलों के विरोध में आज फिर गांव केवड़क में दोबारा पंचायत चल रही है। इससे पहले भी 16 सितंबर को पंचायत हुई थी, उसमें जो बिजली निगम के अधिकारी थे उन्होंने आकर ग्रामीणों को आश्वासन दिया था कि आपके जो बिजली के बिल की आपको जो शिकायत है उनको हम दूर कर देंगे, लेकिन अभी तक उनका बिजली बिलों का कोई समाधान नहीं हुआ है। इसी एवज में आज फिर दोबारा जो गांव केवड़कवासी हैं वो दोबारा इकट्ठे हुए हैं पंचायत घर में। आइए आज क्या कुछ फैसला लिया गया है इस उसमें हम बातचीत करते हैं, जो ग्रामीण हैं जसवीर उर्फ मिट्ठू जी उनसे बातचीत करते हैं कि आज जो पंचायत हुई है उसमें क्या फैसला लिया गया है। मिट्ठू जी स्वागत है आपका सबसे पहले तो। नमस्कार जी सभी भाइयों को मेरी राम राम। आज जो बिजली बिलों के जो विरोध में जो पंचायत हुई थी उसमें क्या कुछ फैसला लिया गया है? बिजली बिलों के विरोध में 3 बार इकट्ठे हो चुके हैं गांव के लोग और बिल हैं जो 5000 से 75000 तक आए हुए हैं, और उस दिन SDO जो फार्म भर के ले गया था उसमें मीटर नंबर और मोबाइल नंबर ले गया था कि मैं इनको बिलों को भी ठीक करूँगा और मीटरों को भी ठीक करूँगा। 10 दिन हो गए उस बात को और उस पर ना कोई कार्रवाई हुई। जब मतलब एक्शन और SDO को ये पता लगा कि कल गांव पंचायत घर में इकट्ठा होगा, तो उन्होंने SDO ने सारा स्टाफ फार्मों के ऊपर फोन करने पर बिठा दिया, गांव वालों को संतुष्ट किया कि आपके मीटर भी ठीक करेंगे और बिल भी ठीक करेंगे, लेकिन वो सबको टोपी दे रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। और मैं CM साहब से कहना चाहूँगा कि गांव जगमग योजना के तहत होना चाहिए, गांव को गांव में हर महीने बिल आना चाहिए 300 यूनिट 2.5 रुपये के हिसाब से, और गांव में जो फार्मर हैं किसान हैं उन्होंने जो नए कनेक्शन मिले हुए हैं 30-30000 सिक्योरिटी भरी हुई है उनकी, वो कनेक्शन रुके हुए हैं। बिजली विभाग वाले कहते हैं कि मोटर खरीदनी पड़ेगी, 2-2.5 एकड़ वाला किसान कहाँ से मोटर खरीदेगा, उनके पास पहले भी मोटर है। तो गांव में जो सीवरेज के कनेक्शन है 500 रुपये उसके जोड़न के ठेकेदार महंगे रहे हैं, तो पिलसन बांधन वाले हैं जो ये गांव में तो वो 20-20000 रुपये 15-15000 रुपये रिश्वत लेते हैं गांव वालों से पेंशन बांधने के लिए। तो ये CM का गांव गोद लिया होया इसमें इतना बहुत ज़्यादा घपला हो रहा है, ये कम से कम 5 करोड़ का घपला है बिजली बिलों का, तो ये जो बिजली विभाग वालों ने कर रखा है। 3 बार इनको बुलाया गया, 3 बार लोगों आज भी 1000 लोग इकट्ठे हुए थे, आप लेट आए हैं चले गए वो लोग, लेकिन कुछ लोग धरने पर बैठे हैं। मेरा कहना है CM साहब से, आज क्या फैसला लिया गया पंचायत में? आज पंचायत में ये फैसला लिया गया कि गांव बिल नहीं भरेगा और ये अपने मीटर उतार के ले जाओ, तो लोग मीटरों को मतलब उतार के फेंक देंगे। इस बारे में आप जो बिजली निगम के अधिकारी हैं उनसे मिले हैं? मैं एक्शन SDO से कई बार मिल चुका हूं लेकिन वो सुनाई नहीं करते, जो कोई आश्वासन नहीं। वो कह रहे थे कि हम बिल को भी ठीक करेंगे मीटर को भी, मीटर है जो यूनिट इतनी निकाल रहा है कि 75-75000 बिल आ रहा है, फैक्ट्रियों का भी इतना बिल नहीं आ रहा है जो यहाँ बिल आ रहे हैं। गरीब आदमी है, एक एक पंखा एक एक लट्टू उसके भी 15-15000 20-20000 रह रहे हैं गरीब। तो ग्रामीणों की क्या मांग है? ग्रामीणों की ये मांग है कि हमारा गांव जगमग योजना के तहत कराया जाए, जगमग योजना के तहत किया जाए और हर महीने बिल आना चाहिए 2.5 रुपये यूनिट 300 यूनिट का 2.5 रुपये तक, और जो मतलब ये फार्मरों को कनेक्शन वो सिक्योरिटी भरी हुई है कनेक्शन नहीं मिल रहे, 30-30000 सिक्योरिटी के तो भर रखे हैं, बिजली विभाग वाले मोटर भी बेच रहे हैं, इसकी आड़ में मोटर भी बेच रहे हैं कि मोटर भी खरीदनी पड़ेगी। हमारे रोशन लाल हमारे प्रशासन से मांग, एक्शन साहब बिजली से मांग, पिछले 5-7 दिन पहले SDO साहब आए थे कि मिट्टी कोड़ देकर चले गए कि हम बिल ठीक करेंगे, ये करेंगे, कुछ नहीं करा। आज हजारों की तादाद में पब्लिक इकट्ठी हो रही थी, अभी आपसे आप आए हैं, आपसे 10 मिनट पहले निकले हैं वेट करके। हमारे प्रशासन इलेक्शन साहब से अपील है कि गांव में आकर सुधार करें, अरे बिजली बिल ठीक करें। आपका कितना बिल आया हुआ है? मेरा भी भाई 14000 करीब आ रहा। इससे पहले कितना था? इससे पहले 4000 था, उससे पहले 918 था। तो बिल लगातार बढ़ता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है सारे काम का, मेरा कल्ला का नहीं। हमारे साथ और भी ग्रामीण हैं उनसे बातचीत करेंगे। बताओ क्या नाम आपका? हाँ सिया राम है जी। आपका कितना बिल आया हुआ है? 6000 आ रहा।
भर दिया या ना जी ना भव्या को भवा करता जी इतनी आमदनी नहीं है आप पर दिहाड़ी दूड़ी लियावा करके कब के काम भी चलाने पड़े हैं है? अभी तो इतने बिल कटता पुग गएंगे हमने सोचा जी महीना में कल भी 200-300 रुपये आयो जाए सब चलो जाए या सलूचना जी माँ तो इसके अलावा और भी ग्रामीण हैं हमारे साथ मौके पर उनसे बातचीत करेंगे गांव के नंबरदार हैं उनसे बातचीत करेंगे हम राम राम जी राम राम जी क्या नाम है जी आपका राजकुमार नंबरदार है जी आज जो पंचायत हुई है किस बारे में पंचायत हुई है और क्या फैसला लिया गया पंचायत में ये बिलंग वरम लिया गया तो बिल ज़्यादा आ रहे हैं लोग बहुत तकलीफ मान रहे हैं तो क्या फैसला लिया गया है तो फैसला कुछ भर देने लोग या लिया भी भरो नहीं बिल ज़्यादा बिल आ रहे हैं जिस तरह दन दन उजना में गाँव में आ रहा कुछ में रीडिंग का शाप था ज़्यादा बिल दे रहे हैं 7 रुपये शाप था होने दी ढाई अगर विभाग वाले आपके बिजली के बिल ठीक कर देते हैं तो फिर क्या वो रहेगा फिर ठीक कर देंगे नहीं सारा गांव बिजली का बिल भर देगा उसके बाद हाँ भर देगी उन्हें जैसे ठीक बिल दे सही भर देंगे कोई दिक्कत नहीं हाँ जी क्या नाम है आपका देवराज है जी तो आज जो पंचायत हुई है बिजली बिलों को लेकर तो उसमें क्या फैसला लिया गया और क्या सुझाव आपका पता नहीं जी सरकार ने क्या झूठ के बोल लिया पहले तो हमारे बिल आवा था 300 रुपये ये जब से अंदर से बाहर बिल मीटर लगाए हैं ना हमारे इससे बहुत ज़्यादा बिल आ रहा है गाँव का किसी का 20,000 है किसी का 30 है गरीब आदमी कहाँ से भरेगा कुछ तो कोरोना से पहले ही बेरोजगार हो रहे हैं लोग और फसल भी हमारी मंदी आ रही है और कुछ बिजली वाले ने सारी पूरा कर दिया सौदा ये 7,000 रुपये कटते बनेंगे और ऐसा जी मेरे गांव में बिल लाइट का टाइम है मतलब 12 घंटे लाइट आवे अगर वो लाइट अगर 24 घंटे हो जाए तो लोगों के 7,000 बिल आ रहे हैं तो वो लाख रुपये भी आ सकता अब बिलों का तो ऐसा जी हम ऐसा है सलाह होगी कुछ तो कुछ हमारे मौजूद लोगों की और नेताओं की रह रही है सलाह लेनी हम बिल नहीं भरेंगे जी बिल्कुल भी अगर बिल नहीं भरे आपने तो कनेक्शन भी काट दिए जाएंगे तो उसके बाद क्या कुछ ऐसा जी मेरे पड़ोस में गांव है खुराना उस गांव के हिसाब से हम खुराने के डालम भी अपना कदम उठा लेंगे जाम लगा देंगे नहीं बिजली छोड़े हम मीटर पड़ के पंचायत घर माग ला देंगे बस यही है बस यही है अन्य एक और अन्य ग्रामीण भी हमारे साथ मौके पर मौजूद हैं उनसे बातचीत करेंगे क्या नाम है जी आपका सोहन लाल जी तो आज जो बिजली बिलों को लेकर क्या फैसला लिया गया फैसला तो यही है जो इसका बिजली रीडिंग मीटर पर ऊपर स्लैब दे रखी है ना भी इसमें इतने परसेंट इतने पैसे लगने चाहिए इतने उसमें से एक भी बिल ठीक नहीं है उस रीडिंग के हिसाब से किसी के 500 है किसी के 700 है तो 7-7 रुपये पर रीडिंग उन पर चार्ज लग रहा है बाकी जो कोई मीटर लगाने आ रहा है या कोई और कोई काम के लिए अन्य आ रहे हैं उसके भी एक्स्ट्रा पैसे मोटरसाइकिल के तेल के लगा लो या किसी भी तरह लगा लो तो इसी करके यही बात कहना चाह रहे हैं भी मैं ये जो अपने बिजली बोर्ड ने स्लैब दिया हुआ है जो सिस्टम बनाया हुआ है 2.5 रुपये है 3 रुपये है उसके हिसाब से बिल आना चाहिए नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा इसलिए आम आदमी कहाँ से भरेगा ये बिजली मेरा ये कहना है जी ये अगर बिजली वाले कनेक्शन भी काटेंगे ना तो हमारा बहुत बड़ा गांव है जो अब बिल आ रहे हैं नहीं यहाँ इतने बिल आ रहे हैं 5 करोड़ का लगभग है इतना में तो हमारा 20 किले में कमेटी वाले में 100 ऊर्जा का प्लांट लग जाएगा जिससे गरीब आदमी को 100 युवाओं को छत्ती बिरादरी के गरीब 100 युवाओं को रोज़गार भी मिलेगा 2 रुपये यूनिट के हिसाब से कितनी बिजली फूको वो बिजली भी फूक लो कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी लेकिन इससे तो पंडा छूटेगा 20,000 लाख तक बिल आ रहे हैं या बिल थोड़ी हैं